भगवान शंकर के धनुष के प्रतिदिन राजा जनक की एक दिन महाराज जनक जी ना रहले, सीता गली पूजा करे, बाया हाथ से धनुषा उठा के दाया हाथ से जतना ओजा खर पात जामर है सब उजार के लीप पोत के फिर धनुषा के रख दिले रली। जाने से राजा जनक देखले रले, सोना की खड़ा पहर के राजा जनक तले पहुंचले, कहले की बार बेटी धन हरे बेटी जा, आज हम प्रतिज्ञा करता नहीं। बाया हाथ से धनुष के उठा ले बड़, तहार बर उहे होई जे धनुषा के तोड़ दी। राजा जनक के ऐलान रहल, त देश विदेश के नरेश लोके पाती दे दे के बुलाव रहे जनकपुर में। आ ओही धनुषवा जा खाती विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के लिए आई बानी। सारा राजा लोग जगशाला में विराजमान भई, जाने में रावण भी पहुंचल बाड़े, 10 को मुड़ी लेके 20 को हाथ लेके बाण असुर 1000 बाह लेके वही सभा में बैठल बाड़े। राजा जनक के ऐलान बा के देश विदेश के लोग, हमरा बूढ़ जवान लड़का सियान से कोई मतलब नहीं के, जे शिव के धनुष के तुर दी हम अपना बेटी सीता के शादी कर दे। अब देखी बारी बारी से राजा लोग कैसे धनुष के आजमाइश करी। रावण अहंकार से फाटा था, मने मने हंसा था कि एक धनुष के तुरे खातिर इतना राजा के बुलाओ के का दरकार। एगो हमरा क्या चिट्ठी जाई, हम आती ये धनुष के चकना चूर कर दी। अहंकार से फाटा था, कहीं प्रमाण मिला था कि बाणासुर समझले कि हे रावण गुरु के धनुष आ गुरु भाई के बेटी के जलसा, ऐसे जलसा बिगाड़ मत लंकेश, जलसा मत बिगाड़ो। यही जी देखी बाणासुर कैसे ललकार के बोल रहल बा, कभी के भाव लागत आ मास्टर जी, लंकेश लंकेश ध्यान से सुन, कहता बाणासुर कि दशानन, अरे सुन रे दशानन, है शिव के धनुहिया तोह से न टूटी। बाणासुर बोललबा, ए तोह से न टूटी, बाणासुर बोललबा, आसमान देवता लो थर थर कांपेला। सुनी के बचनिया गरजल रवनवा, सीता के लेके जाई सबका समनवा हो। सुनी के बचनिया गरजल रवनवा, सीता के लेके जाई सबका समनवा हो। मास्टर तयतने में जानी भैला कसबानी, अतने में जानी भैला कसबानी, खबर बुरा सुन के रावण चललबा, हे खबर के सुनी के रावण चललबा। बहुत भीड़ गई लेकिन धनुषा तस मस ना भई,
रावण कहलस की हमार नाम लंकेश, तब तक ले कश्यप भारी बन के लंकेश, तू शिव के धनुष तुरे खाती मिथिला में पहुंचल बाड़ो, आ तारा मौसी के बेटी के मधु नाम के राक्षस अपहरण करके ले जाता। रावण कहलस की कहा ऐसन हो जाई धरती आसमान के मिट्टी में मिला दे। बाणासुर कहले की लंकेश अब से सोचा बहु बीर अइले सबे हार गइले, बीरे बहिन धरती भइल जनक जी चिलैले हो। रावण आकाशवाणी सुन के सभा से उठ के चल गई। एने मई जनकपुर के लोग निराश हो गई कि अब धनुषा ना टूटी। कभी कहत अरे राजा जनक की आंख से आंसू छलके लागल, कैसन बात जदी जानती हम अपना बेटी खाती प्रतिज्ञा ना करती। हम समझ गए नी कि धरती पर केहू वीर नहीं खे, ऐसन बात जानती तब प्रतिज्ञा बना बेटी खाती ना करती। राजा जनक क्रोध होके कहले कि राजा देश विदेश के नरेश तजाहू आ शनि जनिया गृह जाहू, तजाहू आ शनि जनिया गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। आहा कभी कहत रे बहु वीर अइले सभे हारी गइले, वीर बिहीन धरती भइल जनक जी चिलैले हो। अतने अतना पा जब लखन जी सुनले हा, सुन के ई बतिया लागल दिल में अबिया, सुन के ई बतिया लागल दिल में अबिया, लक्ष्मण के अबिया अजबरे चढ़ल बा। हे लक्ष्मण के अखिया अजबरे चढ़ल बा। सुन के ई बतिया फाटे लाग छतिया, सुन के ई बतिया फाटे लाग छतिया, लक्ष्मण के अखिया अजबे चढ़ल बा। लक्ष्मण के अखिया अजबे चढ़ल बा। राजा जनक जब कहले के देश विदेश के नरेश हम जान कर की धरती पीर से खाली बाड़ी, धरती पीर विहीन बाड़ी, बेटी सीता के शादी परमाने के निकले, ऐसे आप लोग अपने अपने स्थान को चले जाए। अतना बाद जब जनक कहले लक्ष्मण जी के क्रोधित होकर कहले कि महाराज मिथिलेश मिथिलेश जाओ ना सभा में छत्री के बालक होके उस सभा में अंगरी ना दिखावे के। भगवान राम कहने की लक्ष्मण शांत रह, कहले कि शांत कैसे रही। राजा जनक के बात सुन के दिल में भैया बड़ी चोट लागल। राजा जनक हम कहता नहीं भैया का देश हो जाओ, ए ब्रह्मांड के गेंदा के समान उठा के फेंक दे, ए धरती के मिट्टी के बर्तन के समान फोड़ के पटक दे, शिव के धनुष के मुरई के समान तूर के फेंक दे। एगो भाव लागता मास्टर लक्ष्मण के क्रोधे ने के शांत हो। मिथिला के सखी लो जब लक्ष्मण के क्रोधित भल देखल तरह तरह के लोग चर्चा करे लागल कि हई देख कहा के लड़का पैका लीले के गुलर बावन बीरवा हार गए बाकी बाड़े। चलो सुर बताओ ये सखी जब इतना इतना बलवान बलसारी वीर हार गए हई साधु बाबा के चेला कहत कि हम धरती के मिट्टी में मिला दे। भगवान समझाओ तनी। लक्ष्मण कहले कि भैया ई बात गोली के समान लागल बा। आय हाय लक्ष्मण कहत कि भैया ई बात बर्दाश्त सोखे लायक नहीं खे कि सुन के अरे जनक के बोली अरे लगली करे जावा मेरे गोली। राजा जनक अरे आज्ञा दीते अरे भैया जी हमार की आज्ञा दीते
हमारे भैया जी मोर तदेती धनु ही दिया करे तोड़। अरे देती धनु ही राजा जनक तहार बात बोली कि समान लग गई। अरे देती धनु ही दिया करे तोड़ तदेती धनु ही दिया करे धनु ही दिया करे तोड़। ए बाबू लक्ष्मण के बात सुन के तरह तरह के मिथिला के सखी लोग कहे लागल ई देखो भाई मुनि जी के चेला के अरे ढीठैया कैले बा अरे ढीठैया कैले बा अरे देखबे सखिया छैला ई ढीठैया कैले बा। तले एगो काकी से बर्दाश्त ना भइल पुरनिया के रहल बड़ी अनिवार्य श्रोता समाज बुढ़िया काकी से बर्दाश्त ना भइल मुँह में दाँत नहीं के कहते के रह सौ के मार गई। हमारा बुझाता के मुनि जी के चेलावा जरूरी कमावा करी है जा रे सौ के मारी लड़का देख के झोझुआए के ना आ लमहर देख के धाधाए के ना। तो नौकी कहते से तारा कुछ अंदाज लाग था लक्ष्मण जी काहे क्रोधित भैले मनोज जी उमेश भाई लक्ष्मण काहे क्रोधित भैले का लक्ष्मण शिव का धनुष तुरते ना तुरते लेकिन लक्ष्मण के क्रोधित होके के यह कारण रहे कि राजा जनक निराश बड़े की धनुषा ना टूटी। तो लक्ष्मण ऐसे अपन शक्ति के प्रदर्शन कैले कि राजा जनक के कम से कम भरोसा हो जाओ के एगो जनरेटर में इतना पावर बा तो पावर हाउस में कतना पावर हो। ऐसे राजा जनक कम से कम इतना धीर धरस कि छोटका भैया जब इतना क्षमता रखता तभी तो साधु बाबा के बड़का चिलवा बैठले बा। सखी कहतारी कि ए हे रे तन के बुझात नहीं खरे अरे सखी रे छोटे छोटे लड़का बड़ा पीर हो खेला सखरे छोटे छोटे लड़का बड़ा पीर हो खेला सखरे छोटे छोटे लड़का बड़ा पीर हो खेला ए सखरे छोटे छोटे लड़का बड़ा पीर हो खेला एगो सूरज बाड़े दुनिया जोर हो खेला एगो सूरज बारे दुनिया या जोर हो खेला ए, 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 अरे सखी रे छोटे छोटे लड़का बड़ा पीर हो खेला आए गो कुंभज का दू अंजुरी से समुंदर सोखे आय हाय हाय। लक्ष्मण जी कहत रहे वो सभा में ललकार के सारा राजा लोग के माथा झुकल बाकी भाई साधु बाबू के चिला कमाल के बात कमाल को देले कभी कभाल अगर लक्ष्मण जी खिसिया के खड़ा हो गए का कहले मास्टर आय हाय हाय आय हाय हाय मास्टर हो कहा तार के हमार नाम लक्ष्मण है कहा तारे मास्टर आ लक्ष्मण जी कहा तार की राजा जनक की उठा बता जो खबना तौला कि साजो जन ले दौरा कि उठा बता जो खबना तौला कि साजो जन ले दौरा भैया जदि कह दी है हमार हो बता जो खबना तौला कि सौजो जन ले दौरा भैया जदि कह दी है हमार हो ए राजा जनक
ध्यान से सुनी तनी। रव कुल के रहते ऐसा बात न कही, लक्ष्मण नाम के हूँ आज न सही। तोड़े में धनुष एक मिनट न लगी, तोड़े में धनुष एक मिनट न लगी। बाकी जब ले भैया के आदेश न मिली, उठावत जो खबना तौला किसाओ जो जन में दौड़ा। भैया जल्दी कह दी हे हमार हो, भैया जल्दी कह दी हे हमार हो, भैया जल्दी कह दी हे हमार हो, भैया जल्दी कह दी हे हमार हो। इतना बात जब लक्ष्मण जी क्रोधित होके बोले, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम इशारा करके कहतन कि लक्ष्मण जहां बड़ भाई उपस्थित रहेला वहां छोट भाई के बोलल अनिवार्य नहीं है। लक्ष्मण तनी ध्यान दो, हरदम क्रोध में ना रहे के कहत रहे लक्ष्मण जी से भगवान राम का। आहा ए लखन, भगवान कहतन कि लक्ष्मण जी से कभी के भाव लागत मास्टर किराम कहले तब मुसुकाई हो, तनी रुक जाए लक्ष्मण भाई हो। राम कहले तब मुसुकाई हो, तनी रुक जा लक्ष्मण भाई हो। माता पिता के जे बात न मानी, ओ बेटा सबसे अज्ञानी। माता पिता के जे बात न मानी, ओ बेटा सबसे अज्ञानी। बात नीति के जे जाई भूलाई हो, तनी रुक जा लक्ष्मण भाई। नीति का जजाई भूलाई हो, तनी रुक जा लक्ष्मण भाई हो। हम जानत नहीं तोह से न होई कोयस काजा, रण में हरले ऐसन राजा। तोह से न होई कोयस काजा, रण में हरले ऐसन राजा। जे अज्ञा गुरु के ना पाई हो, तनी रुक जा लक्ष्मण भाई। लक्ष्मण जी के भगवान राम समझा रहे मैंने कि लक्ष्मण गुरु के बेगर आदेश के बेगर चेला के अपने आप कोनो कार्य ना करे के चाहे। तब तक ले विश्वामित्र बाबा इशारा करते नहीं कि राम हे राघवेंद्र हे अयोध्यापति नरेश के सुपुत्र महाराज हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम
लक्ष्मण जी झंझट कर दी है। ये बात के तुलसीदास लिखत नी, जब मुहूर्त तो लाए के आ गई, जितना राजा लो अजमौले रहे बाबूजी, उस समय बढ़िया ना रहे, घड़ी बढ़िया ना रहे, लेकिन जब बढ़िया वक्त आ गई, एक ये बात के तुलसीदास जी लिखत नी, का लिखत नी मास्टर, राम हे राम हो सने हमें बानी ओ उठहु राम भंजाऊ भव चापा जन के परितापा भगवान राम से विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, शिव के धनुष के तुर के राजा जनक के प्रतिज्ञा पूरा कर, सीता के मनोकामना पूरा कर। अगर सीता अपन प्राण त्याग देश तब बाद में तुर के का करबो, ये हमार आदेश बा कि शिव के धनुष के तुर द। इतना बात जब राम सुननी, माथ नवा के कहने की जो आज्ञा गुरुदेव, आ गुरु के आदेश मान के भगवान राम शिव के धनुष के तरफ बढ़े लगनी। कभी के भाव लगता का कहत रे कभी हो मास्टर, किया गया पौले राम गुरु के पूजते चलल चरण, कैट धनुष के लगिया पहले पहले उसमिरन, मने मन मनौले मने मन मनौले त्रिपुरारी हो हाथे लिहले धनुषिया, मने मन मनौले त्रिपुरारी हो हाथे लिहले धनुषिया, झूमे नाचे लागल नर नारी जब टूटल धनुहिया। ए झूमे नाचे लागल नर नारी हो जब टूटल रे धनुहिया। फूल के बारिश कर रहल बा, जयकार होल बा, रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, बाहरे मिथिला के शोभा। आजन बाजन बाजे लागल सबके पुरौले ललसा, जनकपुरी के गली गली में होके लागल जलसा, भैले जय माल के भैले जय माल के तैयारी हो जुटल बावे रे नर नारी, भैले जय माल के तैयारी हो जब टूटल रे धनुहिया, झूमे नाचे लागल नर नारी हो जब टूटल रे धनुहिया।
भगवान राम, ना केव धनुषा उठावल देखल, ना केव तुड़ल देखल। जब धनुषा टूट गल तब जयकार होके लागल, देवता ले फूल के बारिश कर, रामचंद्र की, रामचंद्र की, रामचंद्र की। फूल के बारिश होके लागल, देवता ले भगवान के दर्शन करे लागल। ए जी देखा, जब धनुषा टूट गई तब मातेश्वरी जानकी के पास में सहेली लो जाके सीता से कहता कि सखी, अब का रो तारू, तारा इच्छा अनुसार वर मिले, अब चल के वरमाला डाल के अपना पति के स्वीकार करो, गला में माला डालो। सखी लोग के अकावना भाव में अपना सखी सीता से बात समझा रहा बालू, कह रहा बालू का आय हाय के सखिया तैयारी कैली। कवि देखो कितना बढ़िया भाव दर्शाओ तरे मास्टर, कि सखिया तैयारी कैले बड़ी जय माल के, 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 राम के बना लो अपन माला के डाल के, राम के बना लो अपन माला के डाल के। कैसन भाव लगता, राम के घरवा जब रे माला डलली जनक दुलारी, डलली जनक दुलारी, आरती उतारत सखी सहेलिया लेके कंचन थारी थारी, देव लोग बरसावे फुलवा देखी कमाल के, देव लोग बरसावे फुलवा देखी कमाल के, राम के बनौली अपन माला के डाल के, बनौली बर माला के डाल के, राम के बनौली बर माला के डाल के। श्रोता समाज, भाई बंधु, माता बहन बेटी, देखी कितना विचित्र कथा बा। भगवान राम और सीता के विवाह, माला डाल के मातेश्वरी जानकी पति अपना ले ली, एने धनुष जब टूटल बा, आ धनुष के टूटला के आवाज जब परशुराम जी के कान में परशुरामा कुंड में गई बा, तब परशुराम जी लाल आंख करके आप फरसा लेके मिथिला में पहुंच जाता रे। ए जी से कथा रहुआ सब सुनब, बड़ी विचित्र कथा बा। श्रोता समाज, भाई बंधु, माता बहन बेटी, तमाम भोजपुरी समाज के हार्दिक अभिनंदन बा। एकरा बाद अगला भाग में देखी कि भगवान राम राजा दशरथ जी कैसे बरात साज के आवतनी, सीता के संगे शादी होता। अब शादी के बहुत है, बहुत बहुत खुशी बढ़ गई, अब एक जाना ना चारू जाना के शादी। अगला भाग में देखी केंगा संपन्न होके जा रहा बा।